बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं पोटैटो बास्केट चाट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। मैंने 500 ग्राम आलू लेके इनको कद्दूकश कर लिया है। अब एक कपड़े की मदद से इनका अच्छी तरह पानी निकाल देंगे। इनमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 चुटकी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। इनको मिक्स करेंगे। जाली वाला एक चमचा लेंगे, आलू वाला मिक्सचर इसके ऊपर फैला लेंगे। इसके ऊपर दूसरा चमचा रखेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था, चूल्हा मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। बास्केट्स तैयार हो गई हैं, अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। बाउल में 1 कप उबले हुए चने डालेंगे, एक छोटा सा टमाटर, एक छोटा प्याज, एक सब्ज़ मिर्च, 1 टेबलस्पून पुदीना, 1 टेबलस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक हसबे ज़ायका। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने काला नमक और चाट मसाला डाला हुआ है। 3/4 कप दही डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। एक पोटैटो बास्केट लेंगे, इसमें तैयार की हुई चाट डालेंगे। इनके ऊपर ग्रीन चटनी और खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। इसी तरह से बाकी भी तैयार कर लेंगे। पोटैटो बास्केट चार तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।